इस पावन त्योहार को बड़ी धूमधाम से मना रहा है। पहाड़ी प्रदेश हिमाचल प्रदेश के इस खूबसूरत पर्यटक स्थल मनाली में दीपावली का त्योहार किस तरीके से मनाया जाता है, ये दिखाने के लिए हमारी टीम आज मनाली पहुंची है। नमस्कार, मैं हूं संदीप सिंह और आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। घर से दूर इस खूबसूरत इलाके में सैलानी अपनी दिवाली किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए हमारी टीम एक खास रिपोर्ट आपके लिए तैयार कर रही है। तो आइए चलते हैं। बर्फ से ढके हुए खूबसूरत पहाड़ों की तस्वीर आपने देखी। दिन भर सैलानी इन्हीं खूबसूरत वादियों में अपनी छुट्टियां बिताते हैं और उसके बाद आज का दिन इसलिए खास बन जाता है क्योंकि दीपावली है। दीपावली के त्योहार को सैलानी किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। तस्वीर के जरिए दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से तमाम होटल्स जो हैं उनको सजाया गया है क्योंकि बड़ी तादाद में सैलानी यहां पर पहुंचते हैं। यहां पर भी जो है वो डेकोरेशन की गई है फूलों से, बेहद खूबसूरत यहां पर हैप्पी दिवाली लिखा गया है, स्वास्तिक चिन्ह यहां पर बनाया गया है। कुछ एक टूरिस्ट से ही बात करने की कोशिश करते हैं और साथ साथ तस्वीरें आपको इस खूबसूरत दिवाली की दिखा रहे हैं और बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से? तो आपने स्पेशल प्लान किया था कि दिवाली इस बार जो है वो घर से दूर मनाली में सेलिब्रेट करेंगे, किस तरीके से सेलिब्रेशन हो रहा है, यहाँ की खूबसूरत वादियों के साथ साथ घर की तरह सेलिब्रेशन करने का मौका मिल जाए? बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के कि हम ऐसे घर को मिस नहीं कर रहे इस बार, बहुत अच्छा लग रहा है। मन में रहता होगा कि दिवाली के दिन घर को सजाया जाए लेकिन अभी होटल में है और काफी दूर है, लग तो रहा है लेकिन यहाँ भी ये तरीका अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। आप क्या कहना चाहेंगे मैम कि जो भी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको देख रहा है कि घर से दूर भी दिवाली सेलिब्रेट हो सकती है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये घर से दूर वाली दिवाली है जो घर से ज़्यादा घर की घर जैसी लग रही है इस बार। सो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, सच नाइस एक्सपीरियंस। तो मनाली में आप कहाँ कहाँ घूमे हो और आज आपने कुछ प्लानिंग कर रखी है कि दिवाली का सेलिब्रेशन कुछ अलग अंदाज से किया जाए? अभी तो खैर आए हैं तो बहुत कुछ प्लान किया है हमने फ्यूचर के लिए, बट जैसे ऐसा लग रहा था कि दिवाली वुड बी प्लेन, बट द रिसोर्ट पीपल आर वेरी जनरस एंड नाइस, सो दैट दे हैव डेकोरेटेड द रिसोर्ट एंड बहुत कुछ किया है कि जिससे यहाँ पर जैसा घर जैसा माहौल लग रहा है, तो प्रीटी मच हैप्पी है। तो आप ये देख सकते हैं कि सैलानी है उनके चेहरे पर खुशी देखकर समझा जा सकता है कि घर के बाहर जो है वो सैलानियों की दिवाली किस तरीके से मन रही है, उसकी ये ताज़ा तस्वीर आपको दिखा रहे हैं।
सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से? मैं मुंबई से हूँ। दिवाली का दिन खास दिन है, किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं? बाहर भी घूमने गए होंगे, घर से दूर दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत अच्छा है, हम लोग रियली वी अप्रिशिएट दिस व्हाट दे आर डूइंग हियर इन महिंद्रा हॉलीडेज एंड आई लाइक इट। चलिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डेकोरेशन जो है वो लगातार की जा रही है और की गई है, खूबसूरत डेकोरेशन की गई है। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि बातचीत के दौरान जो है वो लगातार ये खूबसूरत दिखाते रहे, ये ज़रूरी है। मैम, किस तरीके से देखती हैं कि दिवाली का त्यौहार है, काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है और एक खूबसूरत लोकेशन पर आकर आप इसको सेलिब्रेट कर रही हैं, तो क्या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगी? बेसिकली आई एम अ हिंदू बाय बर्थ बट आई एम कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, बट व्हाट हैज स्टिल रिमेंड इन मी इज ये जो पूजा होती है वो किसी के मन से होती है, तो आपके जात पात पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ऐसे जगह पे, ऐसे माहौल पे जो हमारे नहीं है वो हमारे साथ होके एक साथ सेलिब्रेट करना, उसका तो माहौल ही कुछ अलग होता है और एक्सपीरियंस भी कुछ अलग है। यहाँ पर कुछ एक टूरिस्ट से बात करते हैं। सर, काफ़ी दूर आकर सेलिब्रेट कर रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं कि इस बार की दिवाली आपके लिए कैसी रह रही? इस बार की दिवाली तो देवलोक में आके हो रही है, इसका बहुत आनंद हो रहा है। पहले तो लग रहा था कि घर में दिवाली तो इस बार मिस कर जाएंगे, लेकिन यहाँ के बहुत मजा। तो किस तरीके से देखती हैं, आपकी शौक रहता है महिलाओं को सबसे ज़्यादा कि दिवाली के दिन खासकर घर में हो और सेलिब्रेट करें, सजाएं, पर यहाँ पर भी कुछ किया है? आज तो हम माता के मंदिर भी गए थे, वशिष्ठ आश्रम भी गए थे और राम जी के दर्शन हो गए, तो बहुत ऐसा अच्छा लगा कि सबकी कृपा हो रही है। ऐसा नहीं कि घर में मनाई जाती है, बाहर भी मना सकते हैं हम। और आपने भी ये बहुत प्यारा सजाया है और आरती भी बहुत अच्छी हो गई है, तो माँ की कृपा हो गई है आज। चलो समझ ले, यूथ को काफ़ी जो है वो शौक रहता है पटाखे जलाएं, फुलझड़ियाँ जलाएं, पर क्या इस बार इको फ्रेंडली दिवाली बनाकर भी जो लोग संदेश दे रहे हैं? हाँ, इको फ्रेंडली दिवाली का जो संदेश है वो बहुत इम्पोर्टेंट है अभी, और लोग काफ़ी तरह, यहाँ पे तो फटाके का ज़्यादा आवाज़ नहीं आ रहा है, माहौल बहुत अच्छा है, सुंदर है, लोगों ने दिया से सजाया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बीइंग अ टूरिस्ट, आप क्या कहना चाहेंगी उन लोगों को जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको देख रहे हैं, घूमने का प्लान बनाते हैं, क्या हर फेस्टिवल को जो है वो बाहर भी मनाया जा सकता है? हाँ जी बिल्कुल, हमेशा घर पर ही हर फेस्टिवल मनाना ज़रूरी नहीं है, हर एक जगह का अलग अलग पैटर्न होता है फेस्टिवल मनाने का, तो पूरे इंडिया में कहीं भी जाके अलग अलग तरीके से एक ही फेस्टिवल मनाने का मज़ा ही कुछ और है। यहाँ पर एक तस्वीर आपको साथ साथ दिखाना चाहूँगा, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, इनसे एक बार बात कर लेते हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? सोनिया। दिवाली कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो बेटा? Diwali is the festival of lights and we celebrate it by doing pujas like this and also by putting lights everywhere, and this festival is celebrated on the return of Lord Rama. Sir, कहाँ से हैं आप? और जी, कहाँ से हम मुंबई से आए हैं यहाँ पे जी। तो क्या आपने पहले से ही प्लान किया था कि दिवाली का सेलिब्रेशन जो है इस बार मनाली में करेंगे घर से दूर? घर से दूर नहीं, वी आर इन क्लब महिंद्रा, सो वी स्पेंड ऑलमोस्ट ऑल आवर वेकेशंस हियर, और दिस इज़ लाइक होम अवे फ्रॉम होम फॉर अस। तो हर बार, लास्ट ईयर भी हमारी दिवाली की पूजा जो है मड़ीखरी में हुई थी, कूर्ग में, यहाँ पे अभी ये बार हम लोग यहाँ पे आए हैं, सो इट्स नेवर लाइक वी आर अवे फ्रॉम होम, सो दिस इज़ अ गुड एक्सपीरियंस। और बच्चों की जब छुट्टियाँ हैं तो बाहर निकल जाते हैं, तो दिवाली वी सेलिब्रेटेड विद क्लब महिंद्रा दिस ईयर। सर, एक सवाल का जवाब आपसे लेना चाहूँगा, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि साथ साथ जो है इस खूबसूरत तस्वीर को भी दिखाते रहें। सेलिब्रेशन जो है वो बड़े ज़बरदस्त अंदाज से किया जाता है, पिछले कुछ 2-3 सालों में जो है वो कोविड का दौर रहा है, खुलकर सेलिब्रेशन नहीं कर पाए हैं, इस बार रिस्ट्रिक्शन हटी हैं, लेकिन साथ ही पर्यावरण को लेकर जो है वो कई सारी रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, पटाखे फोड़ने पर जो है वो अब समय सीमा जो है निर्धारित कर दी गई है, आपको किस तरीके से लगता है, बीइंग अ टूरिस्ट, आपको क्या लगता है कि दिवाली को किस तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए ताकि पर्यावरण भी बचा रहे? आई थिंक टू ईच हिज ओन, जिसको लगता है कि फायर क्रैकर से एनवायरनमेंट को तकलीफ होती है वो नहीं जलाए, बाकी जिसको करना है, ये एक त्यौहार है, समय है, तो दे शुड बी अलाउड टू डू द सेम। तो
आपकी दिवाली कैसे बन रही है? को फ्रेंडली बन रही है या पटाखों के? नहीं, बहुत ही को फ्रेंडली है। हम लोगों ने बहुत सालों से तो पटाखे नहीं चलाए, बट आई हैव नो प्रॉब्लम विद पीपल बर्स्टिंग फायरक्रैकर्स। आई थिंक इट्स अ गुड टाइम। चलिए, दिवाली की आपको शुभकामनाएं। तो ये मुंबई से आए हुए टूरिस्ट हैं, कुछ बच्चे थे, अपनी बात कह रहे थे, और जाहिर तौर पर यहाँ पहुँचने वाला हर एक सैलानी जो है यहाँ की खूबसूरत वादियों में घूमने के बाद जो है वो खुश नुमा माहौल में रहता ज़रूर है, खुश होता ज़रूर है, लेकिन साथ ही अगर दिवाली जैसे फेस्टिवल को घर से दूर घर की तरह मनाने को अगर मिल जाए तो बात ही कुछ और है। आइए आपको कुछ और खूबसूरत तस्वीर इस खास दिवाली की दिखाते हैं। मनाली से आपको लगातार दिवाली की खूबसूरत तस्वीर दिखा रहे हैं। इस वक्त हम एक ऐसे सेक्शन पर मौजूद हैं जहां पर अलग तरीके से दिवाली का जो है वो एक सेलिब्रेशन किया जा रहा है। तस्वीर आपको ग्राउंड पर दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से छोटी बच्ची है वो आज दिवाली पर दिए को तैयार कर रही है पेंट करके, और जाहिर तौर पर इसी तरीके से सैलानी जो है वो यहाँ पहुँचने के बाद आज के दिन ऐसी एक्टिविटी करते हुए नज़र आ रहे हैं। पिछले अगर कुछ सालों की बात करें, 2 सालों में कोविड रहा है, कम सैलानी यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन इस बार कई सारी रिस्ट्रिक्शन हटने के बाद जो है वो यहाँ पर सैलानी पहुँच रहे हैं और किस तरीके से अपनी दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। मैम, आपका नाम क्या है, कहाँ से? मेरा नाम चार्ली ढुलिया है, मैं बॉम्बे से हूँ। मैम, ज़्यादातर लोग जो हैं वो घरों में दिवाली जैसे त्यौहार को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। आप मनाली पहुँची थी, मन में क्या था कि दिवाली में डेकोरेशन हो या किस तरीके से सेलिब्रेट करना चाहती थी, तो आज का दिन दिवाली का दिन कैसे बीत रहा है? दिवाली का दिन मेरे लिए मेन है कि फैमिली के साथ रहना। हम फैमिली के साथ यहाँ पे आए हैं एंड रिजॉर्ट का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। लग नहीं रहा है कि कहीं बाहर है, लग रहा है घर पे ही है। सारी सेलिब्रेशन, सारे स्टाफ, एवरीबडी इज़ लाइक फैमिली राइट नाउ, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड लिट अप दिवाली है, चारों तरफ खूब लाइटिंग है, सितारे हैं ऊपर जो बॉम्बे में नहीं मिलते हमें। दूसरी तरफ जो है वो ज़्यादातर इस बार ग्रीन दिवाली की तरफ जो है वो फोकस किया जा रहा है। मैम, आप भी पटाखे जला रही हैं, बच्चे भी पटाखे जलाएंगी या ग्रीन दिवाली मनाएंगी? इसमें आज तक नहीं जलाए हैं अभी तक, तो कोशिश यही है कि ग्रीन दिवाली रखें, पॉल्यूशन जितना कम हो उतना अच्छा ही है। बेटा, क्या नाम है आपका? मायरा। क्या कर रहे हो आप? पेंटिंग। तो दिवाली सेलिब्रेशन आप ऐसे पेंटिंग करके करते हो? आप ये देख सकते हैं कि छोटी बच्ची है मायरा, किस तरीके से दिए को सजा रही है, क्योंकि दिवाली है, दीपों का त्यौहार है, दीपों के बगैर जो है दीपावली पूरी नहीं हो सकती है। आइए कुछ और खूबसूरत तस्वीर आपको दिखाते हैं। दिवाली का त्योहार है, कुछ एक लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। सर, बिना संगीत के, बिना म्यूजिक के त्योहार कंप्लीट नहीं होता है। डेफिनेटली म्यूजिक है, वही त्योहार है, और ये जो वाइब्स है ना, वो भी वादियों में म्यूजिक, वो तो अमेजिंग है, अमेजिंग। तो आपको किस तरीके से लगता है कि सर पिछले 2-3 साल कोविड के रहे हैं, खुल के दिवाली नहीं सेलिब्रेट कर पाए, त्योहार सेलिब्रेट नहीं कर पाए, इस साल मौका है? डेफिनेटली, ऑल आर एंजॉयिंग, यू कैन सी ऑल आर एंजॉयिंग। चलिए सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से हो? जगदीश नाम है, हैदराबाद से हूँ। तो दिवाली सेलिब्रेशन कैसी हो रही है? दिवाली सेलिब्रेशन तो अच्छी हो रही है, पहली बार मनाली आया हूँ तो देखने में तो बहुत अच्छी है, और पहला वेकेशन है तो अच्छा लग रहा है। तो बिना म्यूजिक के कोई त्यौहार पूरा नहीं होता है? नहीं,
मनाते हैं। और आज काफी लाउड म्यूजिक के साथ दिवाली बन रही है। तो पटाखे बजेगा तब लाउड म्यूजिक हो जाएगा। से बात करने की कोशिश करते हैं क्योंकि काफी एंजॉय यहाँ पर ले रहे हैं बेशक। चलिए यहाँ पे इनसे बात करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? क्या नाम है आपका? कहाँ से हो? प्रीशा। प्रीशा। तो दिवाली सेलिब्रेशन किस तरीके से? डांस खूब मस्ती हो रही है। बहुत मजा आ रहा है। इट्स नाइस एक्सपीरियंस। इट्स अ नाइस एक्सपीरियंस। तो हम बिल्कुल आप देख सकते हैं कि पहुंचा हुआ जो सैलानी है दिवाली का सेलिब्रेशन किस तरीके से कर रहा है उसकी तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। जाहिर तौर पर हमने शुरुआत जो है वो लक्ष्मी माता और गणेश भगवान की पूजा के बाद शुरुआत की थी। टूरिस्ट जो है वो यहाँ पर पहुँचने के बाद किस तरीके से होटल्स में दिया जलाकर दिवाली मना रहे हैं, डेकोरेशन कर कर दिवाली मना रहे हैं। तो ये भी एक तरीके की तस्वीर है कि किस तरीके से जो है वो इन डीजे के गानों पर थिरक कर जो है वो सैलानी खूब मस्ती जो है इस बार की दिवाली में करते दिखाई दे रहे हैं। चलिए आपको कुछ और तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं कि दिवाली में इस बार सैलानियों की ये दिवाली इतनी खास क्यों है। मनाली में सैलानियों की दिवाली की तस्वीर जो है हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से सेलिब्रेशन जो है वो सैलानियों का इस खास दिन में चल रहा है वो हमारी इस खास रिपोर्ट में आपको लगातार दिखाई दे रहा है। अब हम एक ऐसे सेक्शन की तरफ आ पहुँचे हैं जो कि आपके स्वाद से जुड़ा है। आज किस तरीके से जो है वो दिवाली के दिन क्या ऐसा कुजीन जो है वो सैलानियों के लिए रहेगा वो आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ की एक तस्वीर आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से खूबसूरत इस रेस्टोरेंट को तैयार किया गया है। जाहिर तौर पर आज का दिन तमाम जितने भी मनाली के रेस्टोरेंट्स हैं उनको खूबसूरती से तैयार किया जाता है, पूरे होटल्स को तैयार किया जाता है, पूरी मनाली जो है वो इस बार की दिवाली के लिए सज चुकी है। तो यहाँ पर किस तरीके से सैलानियों का हुजूम है ये बात करने के लिए रिजॉर्ट के जनरल मैनेजर हमारे साथ हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि इस बार की दिवाली में क्या चेंजेस हैं? पिछले कुछ सालों से टूरिस्ट फ्लो कम हुआ था, इस बार कैसा है? इस बार की दिवाली में सबसे बड़ा जो चेंजेस है वो कोविड के बाद लोगों का बाहर निकलना है। मुझे लगता है कि कोविड के बाद ये दो साल बाद इतनी बड़ी दिवाली है जो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और लोगों ने घर से निकले हैं और खुल के दिवाली मना रहे हैं कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है दिवाली से। और क्लब महिंद्रा में हम लोग जो दिवाली है या और त्यौहार है, फेस्टिवल है, वो उसी तरह से मनाते हैं जैसे लोग अपने घरों में मनाते हैं और वही चीज़ें, वही रिचुअल्स, वही सारी चीज़ें हम अपने रिजॉर्ट्स में भी रखते हैं और आज यहाँ पे भी हमने उसी तरह से रिजॉर्ट के अंदर रखा है। आज का जो थीम है हमारा वो पंजाबी है क्योंकि हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ जो लोग हैं वो पंजाबी आते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये पंजाब से जुड़ी हुई जगह है और पंजाब से जुड़ी जगह होने के साथ साथ हम कुछ आज स्पेशली दिवाली के लिए हमने पंजाबी कुजीन रखी है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी पंजाब की फेमस डिशेज़ हैं। भट्टी का मोर्ग है, पनीर से रिलेटेड डिशेज़ हैं, स्वीट्स हैं जो दिवाली की मेन चीज़ रहती है, स्वीट्स इज द मेन थिंग। स्वीट के साथ में हमने कुछ लाइव काउंटर रखे हैं हमने जिसमें कि सबसे जो बेस्ट जो आज की शाम की जो चीज़ें उनको ऐसे सभी चीज़ें अच्छी है, बट मक्की की रोटी और सरसों का साग जो है जी वो हमारी एक आज की स्पेशलिटी है। इसकी शेफ आशीष ने आज स्पेशली अपने गेस्ट के लिए ये सारी चीज़ें बनाई है। ये स्टार्ट करते हैं यहाँ से मक्की की रोटी एंड सरसों का साग जो कि आज का सबसे यूनिक और जो हमारा ट्रेडिशन भी हिमाचल का भी ट्रेडिशन है, पंजाब का नहीं, हिमाचल में भी लोग मक्की की रोटी सरसों का साग पसंद करते हैं। उसके साथ बहुत सारी चीज़ें और है, बैंगन का भरता, भिंडी दिन और जो 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 जनरली पंजाब में लोग खाते हैं, जो लोगों की लाइकिंग है, वो सारी चीज़ें आज मिल रही है। बिल्कुल, आपसे आखिरी सवाल का जवाब लेना चाहूँगा जो है वो सैलानियों के लिए हमने जो है वो पटाखे नहीं देखे, सैलानियों ने दिया जलाकर अपनी दिवाली सेलिब्रेट की है, म्यूज़िक सिस्टम जो है वो डीजे की धुनों पर डांस करते हुए दिखाई दिए हैं। इको फ्रेंडली दिवाली मनाई जा रही है? हम पिछले काफ़ी सालों से इको फ्रेंडली दिवाली मना रहे हैं, चाहे दिवाली है, होली है, हम कुछ भी ऐसी चीज़ें अपने किसी भी त्यौहार में नहीं यूज़ करते हैं जो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को ख़राब करते हैं। आपने देखा होगा हमने रंगोली भी बनाई है
तो रंगोली भी फूलों से बनाई है, उसमें भी हमने कोई कलर नहीं यूज़ किए हैं। इसी तरह से पटाखे हम रखते नहीं हैं, इसके लिए हमने दिए जलाए हैं और दिए में भी वही ऑयल यूज़ किया जो इको फ्रेंडली ऑयल है। ऐसा जनरली हमने मोमबत्ती कहीं पर भी नहीं जलाई है, तो हमने जो जलाए हैं वो दिए जलाए हैं, वही घी के और जो तेल के हैं सेसमी ऑयल हमने यूज़ किया। तो क्लब महिंद्रा सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड सारी चीज़ें केयर करते हैं और हमने अपनी मेजॉरिटी ऑफ प्रॉपर्टी को जो है ना इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाया। सर दिवाली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम उम्मीद करेंगे कि इसी तरीके से आप सैलानियों को जो है वो त्यौहार मनाने का मौका देते हैं। आपको क्लब महिंद्रा फैमिली की तरफ से आपके चैनल को आपके दर्शकों को दिवाली की खूब सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। बिल्कुल, तो आप ये देख सकते हैं कि आज किस तरीके से जो है वो मनाली में होटल सजे हुए हैं, उसी की एक ये तस्वीर है किस तरीके से सैलानियों के लिए खास तैयारियां की गई है ताकि आज का दिन सैलानियों के लिए खास रहे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी इस खास रिपोर्ट देखकर मज़ा आया होगा और अगली बार जब आप दिवाली सेलिब्रेशन या कोई दूसरे त्यौहार सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो मनाली एक आपके लिए अच्छा डेस्टिनेशन बन सकता है। कैमरा पर्सन प्रेम ठाकुर के साथ संदीप सिंह, जी मीडिया मनाली।